नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ की नौ खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के रण की, जिसके लिए बिहार के रण में आज दिग्गज नेताओं की रैली होने जा रही है। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार की सभा होगी। कटिहार से जेडीयू प्रत्याशी हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी, जिनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं पूर्णिया में भी आज सीएम नीतीश कुमार की सभा होने वाली है। पूर्णिया से जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो वहीं राहुल गांधी भी आज बिहार आने वाले हैं। बिहार के भागलपुर में आज सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। भागलपुर से अजीत शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। तो आज सियासी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है बिहार में, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दो सभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बिहार के भागलपुर आने वाले हैं, जहां भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और बिहार में एक बार फिर से गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 अप्रैल को पीएम मोदी अररिया आने वाले हैं, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो साथ ही साथ मुंगेर भी जाएंगे, मुंगेर में भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो मुंगेर में ललन सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक बार फिर से पीएम मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है। 26 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आएंगे, मुंगेर और अररिया दो जगह पर उनकी सभा होने वाली है। तो वही 21 अप्रैल यानी कि कल कटिहार आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि कटिहार में दूसरे चरण में ही वोटिंग होनी है, और ऐसे में चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटिहार आने वाले हैं। तो भागलपुर में दूसरे चरण में 26 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। आज इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की सभा सैंडिस कंपाउंड में होने वाली है। बिहार में पहले चरण के बाद राहुल गांधी पहली बार भागलपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसके लिए दो हेलीपैड बनाए गए हैं, एक राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए तो दूसरा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के लिए हेलीपैड तैयार किया गया है। तो साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही सैंडिस कंपाउंड में बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। मौके का जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। दूसरे चरण में भागलपुर लोकसभा के लिए मतदान का कार्य होना है, और जिसको लेकर सभी पार्टियां अब जोर से प्रचार में जुट गई है। आज राहुल गांधी जो है यहां पर आम सभा करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी आम सभा जो है सैंडिस कंपाउंड में होनी है। वहीं हवाई अड्डा में आप देख सकते हैं कि दो हेलीपैड बनाया गया है यहाँ पर, जिस पर एक में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरेगा तो एक में जो है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी यहाँ पर आएंगे और आम सभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। 11:30 बजे जो है उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा और इसके बाद यहाँ से गाड़ी से वो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बम स्क्वाड की टीम जो है लगातार यहाँ पर छानबीन में जुटी हुई है और जांच कर रही है पूरे हवाई अड्डा का कि कहीं कोई गलत चीज तो यहाँ पर नहीं है। इसको लेकर जो है लगातार टीम के द्वारा सुबह से ही जांच किया जा रहा है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है यहाँ पर लगातार जांच में जुटी हुई है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो गेट पर ही सुरक्षा को लेकर जो है जवानों की नियुक्ति की गई है और हवाई अड्डा के चारों ओर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्था की गई है। अब देखने वाली बात है कि आज की आम सभा में किस प्रकार से निशाना साधते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तेजस्वी यादव ने बांका के चांदन में आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला है और एनडीए गठबंधन के जीत का दावा किया है। जनता जो है
के उनको वोट देकर करने का काम किया, लेकिन जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी मुड़कर भी वापस की ओर नहीं देखी। बताइए कल्याण मोड़ के आप लोगों को देखा क्या? आप लोगों ने गाँव का विकास किया? आपकी तरक्की हो? आप देखिए 14 में कुछ और बोले थे, पूरा नहीं हुआ। 19 में कुछ और बोले थे, पूरा नहीं हुआ। 24 में कुछ और बोल रहे हैं, वो भी पूरा होने वाला। तो पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब जिन सीटों पर अगले चरण में मतदान होना है वहां पर अब सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। पूर्वी चंपारण के ढाका में महागठबंधन की एक विशेष बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता शिवहर प्रत्याशी रितु जायसवाल ने की और जीत का दावा भी किया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 15 वर्षों बाद शिवहर में लांटेन जलाने की जिम्मेवारी रितु जायसवाल जी को दी है। हमारे साथ रितु जायसवाल जी है, लगातार सघन प्रचार करिए। मैडम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि अब तो नामांकन होगा, 29 से नामांकन की शुरुआत होगी, आप कब नामांकन करेंगी और रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है? अभी 29 से 6 तारीख के बीच में किसी भी एक दिन होगा, जिसकी घोषणा जल्दी ही करूंगी। अभी डेट निर्धारित नहीं किया, 1 से 2 दिन में हो जाएगी। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी? देखिए, रिस्पॉन्स जनता का है ना, शिवहर की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है कि शिवहर की जनता को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है और क्लियर चीजें साफ दिख रही हैं। मुझे शिवहर की जनता पे पूरा भरोसा है। क्या शिवहर की जनता को क्या चाहिए? अपराध मुक्त चाहिए शिवहर? क्या बेहतर समाज चाहिए शिवहर की जनता को? दोनों चीजें चाहिए शिवहर की जनता को। एक बेहतर समाज चाहिए, रहने लायक समाज चाहिए शिवहर की जनता को। डेफिनेटली अपराध मुक्त शिवहर चाहिए और साथ ही साथ शिवहर की जनता को विकास चाहिए, और विकास की प्रायोरिटी पहले होगी। कि आज तक बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि कई मामलों में यहाँ पे कई काम किए जाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि शिवहर की जनता इस बार विकास पर के नाम पर वोट करेगी, अपराध मुक्त शिवहर और विकास युक्त शिवहर। बिल्कुल, देखिए रितु जायसवाल है, आप पे करें कि इस बार शिवहर की लड़ाई है वो अपराधी और आम आदमी के बीच है और शिवहर की जनता अपराध को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। 19 कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। शेखपुरा के बरबिगा क्षेत्र में जेडीयू विधायक और जेडीयू जिला उपाध्यक्ष के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिससे विधायक पक्ष से 2 और जिला उपाध्यक्ष के पिता घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सारण सीट से महागठबंधन उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में रोड शो किया, जिसमें पूर्व मंत्री जितेंद्र राय भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश हुई। रोहिणी आचार्य ने भी हाथ जोड़कर सभी से वोट करने की अपील की। रोहिणी आचार्य ने कहा कि छपरा में 10 साल से विकास नहीं हुआ। तो लोकतंत्र के महापर्व में कटिहार के मारवाड़ी समुदाय जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो किस मुद्दे पर नई सरकार को चुनेंगे, इस पर मारवाड़ी समुदाय के व्यापारियों से बातचीत की है हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। के महापर्व को लेकर समाज के हर तबका जागरूक है, और जब बात व्यावसायिक जागरूकता की हो तो कोशी और सीमांचल के सबसे बड़े व्यावसायिक हब कटिहार में महापर्व को लेकर क्या उत्सुकता है, जरा कटिहार के व्यापारियों से बात कर लेते और बताते चले। सबसे बड़ा जो व्यापार मंडी है, कपड़ा हो या मनिहारा हो, ये कटिहार का एक प्राचीन धरोहर है, और यहाँ के व्यवसायी किस मुद्दे पर मतदान करेंगे, जरा बात कर लेते। क्या मुद्दा है, आप लोग मतदान करेंगे किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम लोग का यही मुद्दा है कि व्यवसायिक क्रश नहीं हो, किसी भी की सरकार आवे, किसी की भी रहे, व्यवसायी आराम से हो, कोई तकलीफ नहीं आवे, और MSME जो लगाया है इससे हम लोग त्रस्त हैं। तो अभी नया सरकार से क्या उम्मीद है? हम लोग को यही उम्मीद है कि आगे ये इसको या तो पोस्टपोन किया जाए, और या इसको लगाना है तो सभी पर लगावे, ट्रेडर्स या सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स, सभी पर ये कानून लगावे। हम लोग नई सरकार से उम्मीद करेंगे कि हम लोगों को जो है ट्रेन की सुविधा दिया जाए,
बहाल किया जाए। सूरत जैसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है हम लोगों का, साउथ में एक भी ट्रेन नहीं हम लोगों की, और बिजली की व्यवस्था में सुधार हो। व्यवसायी समाज के अंदर हम लोगों व्यवसाय के अंदर में GST और MSME और इनकम टैक्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरलीकरण हो ताकि व्यवसाय को कम से कम कष्ट हो। कटिहार के ये व्यवसायिक वर्ग है, अधिकतर मारवाड़ी समाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि निश्चित तौर पर व्यवसाय के जो पद्धति है उसमें सरलीकरण हो और जो कई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दा हो, कटिहार से गुजरात कनेक्शन से जुड़ा हुआ जो व्यापार हो उसमें जो व्यवस्था है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो। सुब्रत, News 18 कटिहार। एक एक मत कीमती है, मतदान जरूर करें, पहले मतदान और फिर जलपान जैसे नारों का गरीब मजदूरों पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। अररिया में 7 मई को मतदान होना है, ऐसे में चुनाव आयोग लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है, लेकिन लोग रोजी रोटी के चक्कर में शहर अपने काम पर वापस लौट रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। के अररिया लोकसभा सीट पर आगामी 7 मई को मतदान है, ऐसे में हम बता दें कि सीमांचल इलाके से भारी संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं क्योंकि यहां पर रोजगार का साधन नहीं है। ऐसे में एक तरफ जहां चुनाव आयोग द्वारा जो है लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ऐसे में कुछ राहगीरों से बातचीत करते हैं। लेकिन वोट डालने के लिए वो जरूर अपना, क्योंकि हम भी अभी बाहर से आए हैं तो हमने देखा कि गाड़ी भर भर के लोग बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि इनको यहाँ पे मत डालना है और वोटिंग करना है उसको। इस नजरिए से जो लोग भी जाएंगे वो फिर लौट कर आएंगे और ऐसा कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए बेरोजगारी की वजह से उनको जो माश की दिक्कत है, रोजगार के लिए तो वो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। लेकिन यह है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको कोशिश करना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी को भी वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, पोलिंग करें ताकि बड़ा फायदा हो। और जा रहे हैं मुगलसराय। मुगलसराय क्या करने के लिए? काम करने के लिए। काम करने के लिए। 7 मई को वोटिंग है तो वोट देने के लिए आइएगा। हाँ आएंगे। आएंगे। हाँ आएंगे। बोल रहे हैं आएंगे जरूर। हाँ बिल्कुल, वोटिंग भी तो जरूरी है। जरूरी है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे रहेंगे वो करेंगे वोटिंग। हम एक महीने में वापस तो नहीं आएंगे, उतनी बड़ी जॉब भी नहीं है हमारी, जब अपना किराया भाड़ा फिर से लगा के यहाँ पे आए और इतनी पब्लिक इतनी भीड़ में फिर वापस जाए, आने जाने के सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? अली नाम है। दिल्ली पंजाब जैसे महानगर में पलायन करने को मजबूर है, लेकिन वह कोशिश करेंगे कि वहाँ से लौट कर 7 मई को मतदान जरूर करेंगे। सतीश कुमार, News 18 अररिया। BPSC ने परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। तीसरे फेज की शिक्षक बहाली परीक्षा अब 10 से 12 जून को होगी। 10 जुलाई को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक की परीक्षा 13 जून को होगी तो हेडमास्टर की परीक्षा 14 जून को ली जाएगी। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने बस पर फायरिंग की है। बस पर 3 जगह पर गोली लगी है। खलासी को पिस्टल से मारकर उसे घायल कर दिया। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर अब उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बस में जितने भी यात्री बैठे हुए थे वो सभी सुरक्षित हैं। चंदवा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो लातेहार में NH पर हथियार से लैस 6 अपराधियों ने फायरिंग की है। गोली बस में 3 अलग अलग जगह पर लगी। गनीमत रही कि इसमें किसी को गोली नहीं लगी। घटना चंदवा थाना क्षेत्र के अमझरिया घाटी की है। बताया जा रहा है कि बस में सवार 2 लोग पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग की, साथ ही खलासी को पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। खतरे को देखते हुए ड्राइवर बस को भगा कर ले गया। खलासी ने भी बहादुरी का परिचय देते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल बस खलासी को चंदवा CHC में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में थाना के पास यात्रियों ने प्रदर्शन किया और बस को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की मांग की। और रुकने के बाद दो लड़के उतर गए, उनके साथ जो 5-6 लड़के आए थे सिक्सर लेकर के ऊपर चढ़ रहे थे। किसे कहाँ आप लोग ट्रैवल कर रहे थे? रांची से हम तो लाते आ रहे थे, बस जाते ही डाल रहे थे। बस में कितना फायरिंग हुआ है? बस में भी गोली लगी है।
ठीक है, कोई हमला और किसी तरह का कोई और घायल यात्री लोग नहीं, आपके अलावे कोई? आप पर किस तरह का हमला हुआ? वही बस मार दिया हमको। और यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले फेज की 4 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। हालांकि चिल चिलाती गर्मी का असर कहीं कहीं देखने को मिला, लेकिन मतदान के दौरान कहीं भी किसी तरह की हिंसक घटना नहीं घटी। वोटिंग के साथ साथ फेज में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव पूरा हुआ। वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। पहले फेज के 4 सीटों पर 6 बजे तक 48.23% वोटिंग हुई, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से कम है। 2019 में इन चारों सीटों पर 53.57% वोटिंग हुई थी। चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एवरेज वीटीआर 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रोक्सीमेट है। ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम है। औरंगाबाद में शाम 6 बजे तक 50% वोटिंग हुई, तो जमुई में भी 50% के करीब वोटिंग हुई, जबकि गया में 52% वोट पड़े और नवादा में 41.50% वोट पड़े। 2024 में बिहार की चारों सीट पर हुई वोटिंग की तुलना अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई वोटिंग से कर लेते हैं, तो औरंगाबाद में 2019 में 53.64% वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 में 50% ही वोटिंग हुई है। वहीं नवादा में 2019 में 49.61% वोटिंग हुई, लेकिन 2024 में 41.50% ही मत पड़े। यही हाल गया का भी है। गया में 2019 में 56.16% वोटिंग हुई थी, 2024 में 52% ही वोट पड़े हैं। जमुई की बात कर लें तो जमुई में 2019 में 55.22% वोटिंग हुई थी, 2024 में मात्र 50% ही वोट पड़े हैं। मतलब 2019 के मुकाबले बिहार की इन 4 सीटों पर कम मतदान हुआ है। कम वोटिंग की वजह क्या है, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वोटर्स ने अपना निर्णय सुना दिया है, रिजल्ट ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सबको इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम खुलेगा और चुनाव परिणाम सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 2019 के मुकाबले 2024 की वोटिंग को आप भी समझिए। बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। बिहार में इन 4 सीटों पर 6 बजे तक 48.23% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में इन 4 सीटों पर 9। में इस बार चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन वोटिंग प्रतिशत महज 41.55% ही रहा। वोटिंग प्रतिशत कम होने पर लोगों का क्या कहना है, इसकी जानकारी ली है संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा में लोकसभा 2024 का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, मगर इस बार नवादा में वोटिंग परसेंटेज सबसे कम आता गया। इस बार का वोटिंग परसेंटेज महज 41.55% ही रहा, जहां पिछले बार 49.55% था, मगर इस बार बेहद ही निराशजनक आंकड़ा सामने देखने को मिला है। इसके पीछे बहुत कारण बताए गए हैं, गर्मी से लेकर मतदाता पर्ची लोगों तक नहीं पहुंचना इसके प्रमुख कारणों में से एक है। कुछ लोग हैं जो कल वोट दे चुके हैं, हम उन्हीं से सीधे जानते हैं क्या कुछ कारण रहा। पहला तो कारण रहा कि जो है बीएलओ जो है वो अपने अपने बूथों पर मतलब मतदाता का पर्ची नहीं पहुंचा पाए, और दूसरा वजह है गर्मी है, लगन है, और तीसरा जो सबसे अहम बात है जिसमें आने वाले समय में नेताओं को ध्यान देना होगा कि उनके प्रति उदासीनता बढ़ी है लोगों में बहुत। मतलब जो एक एग्रेसिव होता था तो बस एक मोदी नाम केवलम के नाम पे आम मतदाता जो है बूथ पे गए, और नेताओं के प्रति उत्साह में कमी।
सभी राजनीति दल के जो नेता देखते होंगे उदासीनता का कारण हो गया, आम जनता आम मतदाता उदासीनता के कारण हो गया। जो वोटर लिस्ट जो दिया गया गांव वाले बूथ पर, हम तो गांव में थे तो वहाँ खाली पोलिंग एजेंट भी बढ़िया से नहीं था बूथ पर। अब पहले जो चुनाव होता था दो वोटर लिस्ट दिया जाता था, एक पोलिंग एजेंट बैठता था और एक बाहर में एक आदमी उठता रहता था जो पर्ची बनाकर देता था, अगर सब नदारद था। आपने सुना कि कई कारण बताए गए हैं, मगर कल जब बूथ पे जब हम ग्राउंड रियलिटी जब ले रहे थे तो उस दौरान भी कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें सबसे प्रमुख कारण जो था कि बूथों पर जो जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया जाना था वो नहीं देखने को मिला। लगभग सभी बूथों पर जो बद इंतजामी थी वो देखने को मिला। गर्मी के कारण सबसे ज्यादा लोग परेशान दिखे और उस अनुरूप बूथों पे इंतजाम नहीं किया गया था। ये कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारणों में से एक रहा है और यही कारण रहा है कि नवादा का जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो अब तक सब कम आका गया है और इस चुनाव में लोगों का उत्साह जो है वो कम देखने को मिला है। आने वाले समय के लिए ये एक अच्छे संकेत नहीं है। निश्चित रूप से इन सभी बिंदुओं के ऊपर जरूर काम करना होगा। अनिल विशाल, न्यूज 18, नवादा। और यहां रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।